Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another video. If anyone is new to my channel, then hi. My name is Janvi. I make videos on skincare, haircare, makeup, vlogs, and much more. If you guys are interested in watching my videos, then do like, share, and subscribe to my channel and press the bell icon. आप मुझे Instagram और Facebook पर भी follow कर सकते हो. Links नीचे description box में भी मिल जाएंगे और handle का नाम आपको screen पे दिख जाएगा. सो आज के वीडियो के बारे में आप बात कर लेते हैं, वो है हाइलाइटर्स के ऊपर, द टॉप 5 फेवरेट हाइलाइटर्स जो अभी तक मैंने यूज किया है. सो इस तरीके से मैंने एक सीरीज शुरू किया था आई थिंक एक साल पहले. तो मैंने अपने टॉप 5 फेवरेट कंसीलर्स आप लोग के साथ शेयर किया है, फाउंडेशन शेयर किया है और लिपस्टिक्स भी शेयर किया है. उन तीनों का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी. अगर सपोज आपने नहीं देखा तो आप वो जाके देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो मैं अब क्यों बना रही हूँ. सो इसी तरीके से मैं आगे जाके ब्लश, कॉन्टोर हर एक चीज पे बनाऊंगी धीरे धीरे धीरे. बट आई थॉट कि अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो हाइलाइटर्स आई थिंक सब लड़के को ग्लो करना अच्छा लगता होगा. सो मैंने सोचा कि क्यों ना हाइलाइटर्स पे बना दिया जाए. सो ये हाइलाइटर्स मिड रेंज के भी होंगे और अफोर्डेबल भी होंगे. सो आपके बजट में जो हाइलाइटर आता है आप वो ले सकते हो. सो अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कौन कौन से हाइलाइटर्स की बात करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहला जो हाइलाइटर है वो मेरा इस पूरे इन पांचों में से सबसे फेवरेट हाइलाइटर है. अगर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी तो इसी हाइलाइटर को हमेशा रिकमेंड करूंगी. वो है ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर. दिस लुक समथिंग लाइक दिस एंड आई एम इन द शेड ब्लॉसम ग्लो. ऊपर आपको शेड मेंशन हो जाएगा. आई थिंक इसमें 2 या 3 शेड है. आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी शेड चूज कर सकते हो. एंड दिस लुक समथिंग लाइक दिस. आई थिंक मुझे इसको 1 साल से ऊपर हो गया है और अभी तक थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है. एंड मैं लगभग 1 हफ्ते में 2-3 बार इसे लगा लेती हूँ, बट स्टिल अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है. एंड आई डेफिनेटली थिंक कि ये और 1-2 साल चलने वाला है. सो इस तरीके की चीज़ों को अगर आप एक टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आराम से 2-3 साल चल जाएंगे. सो आई थिंक इट्स वर्थ लेना. और इसकी जो प्राइस है वो है ₹599 नायका पे. सेल चलती रहती है तो प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है. जब मैंने इसे लिया था वो 500 पे था आई थिंक, किसी सेल पे था. जैसे अभी नायका की हॉट पिंक सेल गई, उसमें अगर आप इसे लेते तो ऑफ होता. मेबेलिन और वेट एंड वाइल्ड के प्रोडक्ट्स में भी ऑफ था. सो आप ऐसे मतलब कुछ थोड़ी अगर मिड रेंज की चीजें हैं और आपको इतना पे नहीं करना है तो आप सेल का वेट कर सकते हो और सेल में चीजों को ग्रैब कर सकते हो. सो दिस इज समथिंग डेफिनेटली व्हिच यू गाइस नीड टू ट्राई एंड मेरा पर्सनल फेवरेट है. मैंने अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में इसे यूज किया है. सो ये है सबसे पहला हाइलाइटर. सो जो सेकंड हाइलाइटर है वो है एक शिमर ब्रिक. वो है लैक यू ब्यूटी का इंस्टेंट ग्लो शिमर ब्रिक वॉश ऑफ, विच ऑल्सो लुक्स समथिंग लाइक दिस. इसमें आपको टोटल मिल जाते हैं 5 शेड है. सो इसको आप मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो. इसमें 3 शेड जो है आप ब्लश की तरह यूज कर सकते हो. जो सबसे ऊपर वाला शेड है उसे आप एज अ हाइलाइटर यूज कर सकते हो. सो जो बीच का शेड है वो आप एज अ ब्रॉन्जर भी यूज कर सकते हो, जो कि मोस्टली कोई करता नहीं क्योंकि हाइलाइटिंग ब्रॉन्जर कोई लगाना प्रिफर नहीं करता, बट आप चाहे तो यूज कर सकते हो. इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा अच्छी है. सो शिमर ब्रिक्स आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएंगे, लैक्मे, सिवाना कलर्स, स्विस ब्यूटी, बहुत ऑप्शंस हैं. तो मुझे ये वाला अच्छा लगा और ये मैंने बहुत पहले परचेज किया था. और इसकी जो प्राइस है वो ₹350 है. सो आपको 250 में भी मिल जाएंगे और लैक्मे का 400 पे भी मिल जाएगा. सो आपका जो रेंज है, और इसमें आपको 2-3 और शेड मिल जाएंगे, मतलब कलर्स थोड़े ऊपर नीचे होंगे और कोई पिंक होगा या कुछ और होगा, हाइलाइटिंग शेड ज्यादा होंगे. तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है. तो अगर कोई बिगिनर है जिनको हाईलाइटर, ब्लश, आई शेडो सब कुछ एक साथ चाहिए, तो आई थिंक उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा. तो आपको 4-5 चीज़ें एक साथ मिल जाएगी, तो आपको हर एक चीज़ अलग से ब्लश, अलग से हाईलाइटर, अलग से आई शेडो पैलेट खरीदने की जरूरत नहीं होगी. दिस इज ऑल्सो अ 1-time buy. सो दिस इज ऑल्सो दी सेकेंड हाईलाइटर विच आई वुड रिकमेंड यू गाइज. ओके, सो जो थर्ड हाइलाइटर है उसकी थोड़ी हालत फिलहाल खराब हो चुकी है क्योंकि इसको मुझे परचेज करते हुए 3 इयर्स हो गया है. एंड ये मेरा सबसे पहला हाइलाइटर था जो मैंने अपने यूट्यूब के बाद लिया था. वो है ये मियॉन का हाइलाइटिंग पैलेट.
सो इसका जो ऊपर का ये है वो निकल चुका है, ऑब्वियसली मैंने इतने गंदी तरीके से यूज किया है। सो आप देख सकते हो ये वाला शेड ऑलरेडी खत्म हो गया, इसमें थोड़ा बच गया है। सो ये भी एक मल्टीटास्किंग पैलेट है, तो आपको टोटल 6 शेड मिल जाएंगे। ये तीनों शेड्स आप हाईलाइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, ये ब्लश और ये तो आई शेडोज के लिए। मैंने इसमें से एक शेड अभी आई शेडो पे लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। ब्राउन स्मोकी आई क्रिएट करते हो, वेडिंग्स में लुक बनाते हो, तो आई थिंक दिस इज परफेक्ट। अगर आप ये ले लेते हो तो आपको कोई शिमर आई शेडोज खरीदने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सारे शेड्स हैं। और इन दोनों की ना पिगमेंटेशन बहुत सही है यार, बहुत सही है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है, और अभी अपने मैंने फेस पे लगाया हुआ है, ग्लो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। सो दिस रिटेल्स फॉर रुपीज, दिस रिटेल्स फॉर रुपीज 650। एंड ये आपको नायका या पर्पल पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये पर्सनल इंस्टा स्टोर से लिया है जिसका नाम है मेकअप स्टोर ब्यूटीफुल। उनके मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बहुत सारे हॉल्स बनाए हैं, आपको चाहिए तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हो उनका इंस्टा पेज, बहुत अमेजिंग मेकअप बेचते हैं। सो या आप उनके भी प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो, ये उन्हीं के यहाँ से लिया था मैंने, एंड या आज तक यूज कर रही हूँ, बहुत अच्छी पिगमेंटेशन भी है। सो दिस इज द थर्ड हाइलाइटर। ओके, सो जो नेक्स्ट हाइलाइटर है, आई थिंक इन पांचों में से सबसे महंगा हाइलाइटर यही होगा, सो विच इज द नायका हाइलाइटर। इसको मैं ज्यादा दिखा नहीं सकती क्योंकि इसकी हालत थोड़ी खराब हो रखी है। सो जब मैंने इसको परचेज किया था और जब मुझे ये रिसीव हुआ था, तभी एक साइड का टूटा हुआ मिला था मुझे, दूसरे साइड का नॉर्मल था। बट यू नो रिटर्न में बहुत टाइम लग रहा था एंड मुझ में इतना पेशेंस एक्चुअल में नहीं था, तो मैंने सोचा कि जैसे भी हो आई विल ट्राई टू मैनेज। एंड सच में गाइज इसकी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका मेरे पास ब्लश भी है, ब्लश की भी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, वो मैं ब्लश वाले वीडियो में कभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बट इसकी हाइलाइटर आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। दिस रिटेल्स फॉर रुपीज 699। जब मैंने सेल पे लिया था, आई थिंक मैंने इंडिपेंडेंस डे ऑगस्ट में इसको किसी सेल में लिया था, आई बॉट दिस फॉर लाइक 500 के आसपास, एंड अभी 700 इसका एक्चुअल रिटेल प्राइस है। सो आई थिंक अगर आपको इसे अच्छे प्राइस में लेना है तो आप किसी सेल पे ले सकते हो, आपको 500 के आसपास मिल जाएगा, और 700 पे अगर आप इसको दे रहे हो तो इट्स रियली वर्थ इट। इसकी पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छी है, एंड या जिनका अच्छा मिड रेंज है, जिनको अच्छा इन्वेस्ट करना है, तो वो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकता है इस वाले में। सो जो लास्ट एंड फाइनल हाइलाइटर है वो इन चारों के साथ थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये सब मैंने जो अभी बताया है वो पाउडर हाइलाइटर्स है। सो कुछ लोग होंगे जिनको विथ इन द ग्लो, जैसे अपन मेकअप करते हैं ना उसमें डूई फिनिश अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये वाला हाइलाइटर है, वो है स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटिंग मेकअप बेस, एंड दिस रिटेल्स फॉर रुपीज 250। सो विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल, आपको अच्छी खासी क्वांटिटी मिल जाती है। सो इस तरीके का आपको मिलेगा मेबलिन में, मास्टर क्रोम वाला जो डब्बा होता है वो आई थिंक 800 या 900 के आसपास होता है, और वो भी इतना ही आपको मिलेगा, उसके कंपैरिजन में उसके मतलब हाफ प्राइस से भी कम है। एंड इसमें भी आपको दो तीन शेड मिल जाएंगे, एक रोज गोल्ड, एक सिल्वर गोल्ड, आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो। सो इसको आप ऐसे टैप करके भी लिक्विड हाइलाइटर की तरह लगा सकते हो, आप इसे मॉइस्चराइजर के बाद लगा के इसके ऊपर फाउंडेशन लगा सकते हो, और तीसरा ऑप्शन है फाउंडेशन थोड़ा सा ले लो, इसको भी थोड़ा सा ले लो, और दोनों को मिक्स करो और लगा लो, और आपका बहुत इल्यूमिनेटिंग फेस हो जाएगा। और आपकी अगर ड्राई स्किन है तो डेफिनेटली आपको इसे ट्राई करना चाहिए, ऑयली स्किन वालों को मैं ज्यादा रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग की स्किन ऑयलीनेस की वजह से वो ग्लो करता ही है, इसके साथ आप एकदम बॉल ना चमकने शाइनिंग बॉल नहीं लग जाओगे। तो ड्राई स्किन वाले और नॉर्मल स्किन टाइप वालों को डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। सो आई एम इन दी शेड 02 सिल्वर पिंक, आपको मैंने जैसे कहा है कि आप अपने हिसाब से कोई भी शेड का चूज कर सकते हो। सो दिस इज दी लास्ट एंड फाइनल हाइलाइटर। सो यही थे मेरे कुछ 5 रिकमेंडेशंस हाइलाइटर्स के, अभी तक मैंने 4 साल से जब से मेकअप किया है यही सब हाइलाइटर्स है जो मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो कहीं हद तक हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपकी कोई फ्रेंड है जिनको हाइलाइटर्स लगाने का शौक है और वो थोड़ी कंफ्यूज है कि उनको कौन सा हाइलाइटर चूज करना चाहिए, उनको आप ये वीडियो डेफिनेटली शेयर कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, अंटिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लविंग माई वीडियोस। बाय बाय। पीछे रखो, बाल के आगे रखो, आगे रखो एक बार, उसमें आगे थे ना अभी पीछे रखते हैं। That time I bought this for
और यार और मैं कार्ड दूंगी भाई, क्या बोल रही थी मैं, फ्लो चला जाता है ना, मेरे को समझ नहीं आता। मैंने जैसे कहा था अगर आप सेल में बाय करते हो शांत हो गया बोलू